नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी न्यूज रूम में। और इस वक्त आपके साथ में हूं दिव्या अठवाल और ये है बाबजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, गांव की सरकार। जी हाँ, जैसे कि आपको बता दी कि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर पे चल रही हैं, वहीं मैं आपको बता दूं कि जिसके चलते अब वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर मोहन नागदा जो कि बोरखेड़ी के पानेरी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पर जाकर उन्होंने आम जनता से 5 साल की यानी कि पंचायत ने क्या क्या गाँव में विकास किए हैं इन सब बातों को लेकर कई सवाल भी किए हैं, जिसके अंदर आम जनता ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बताइए, आपके विकास का कार्य तो अच्छा चल रहा है, देखो बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी भी हुआ है, हो रहा है, पर तो सबसे पहले पूरा गांव के लिए एक ही दिक्कत है कि यहां पे जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। उसके लिए यहां ज़मीन भी है, सर्वे नंबर 751 मांग भी कर रखी है, वो अगर उसकी बाउंड्री वॉल हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। आप संतुष्ट हैं उसको लेकर के? लगभग अच्छा संतुष्ट है, काम अच्छा चल रहा है। बहुत ही अच्छा काम करवाया है हमारे सरपंच साहब ने, नई आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, शासकीय कुआ और शमशान घाट रोड, और गांव में पूरे गांव में आरसीसी भी हो चुकी है। बहुत ही अच्छे हम संतुष्ट हैं। उम्मीदों को पूरा उतरे, पूरे गांव में सीसी रोड, हर कार्य में मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की है। अभी भी उसी प्रयास में है, पंचायत में है, कई पानी भरा है तो उसके लिए सीसी लाए, विधायक निधि से, पंच परमेश्वर राशि से, 14 वित्त की राशि से सब कार्य किए, शासकीय कुआ बनवाया है, अभी पेयजल विभाग को भी सूचना दी है वहाँ से पाइपलाइन के लिए, वो पाइपलाइन और अपने शासकीय पूरे गांव में लाएंगे और जो भी कार्य थे। हम अभी मौजूद थे ग्राम बोरखेड़ी पानेरी जो कि नीमच के नज़दीक ग्राम पंचायत है, वहाँ पर हमने आम मतदाताओं से, आम नागरिकों से बात करी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो हमने पिछले 5 सालों में जो सरकार चुनी है वो उससे हम काफ़ी संतुष्ट है और काफ़ी विकास के कार्य करवाए गए। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी, पिछले समय जो दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया है। मैं अपने साथी कैमरामैन रामेश्वर नागदा के साथ मोहन नागदा। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमारे वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर मोहन नागदा जो कि बोरखेड़ी के पानेड़ी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, तब आम जनता ने ये कहा कि हमारे पंचायत ने 5 साल में काफी अच्छा विकास किया है, साथ ही आने वाले समय में उनको ही वोट देंगे। जी हाँ, तो ये था अभी तक का अपडेट। वैसे ही नए अपडेट पाने के लिए लगातार देखते रहे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। धन्यवाद।